5 बार सल्फ्यूरिक एसिड में पास करने के पहले बाद 544 ग्राम गंधक बचा है। देखो कैसा गंधक बना है, ये जो ऊपर काला काला है वो अभी कार्बन चौटा हुआ है, उसको पाउडर करके गर्म पानी से बराबर धो डालेंगे तो पाउडर निकल जाएगा। काला जो ब्लैक कलर का है ना, वही कार्बन है। थोड़ा कार्बन गंधक के साथ चौट गया है, सभी डगली में है, थोड़ा थोड़ा सभी डगली में है। देखो ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा वो सब निकल जाएगा पाउडर करके खरल में, और उनको गर्म पानी से धो डालेंगे, हो जाएगा कंप्लीट। अब इसके ऊपर तीसरा प्रयोग शुरू करने जा रहे हैं, नहीं चौथा प्रयोग शुरू करने जा रहे हैं, जो लाल फटकड़ी के पानी का चूहा देना है। लाल फटकड़ी के पानी में गंधक को पकाना है 10 बार। अब ये शुरू करेंगे। गंधक का पाउडर कर दिया है खांड कर, देखो अब उसको 2-3 पानी से धो डालना है, तो अंदर जो कार्बन रह गया है सभी कार्बन निकल जाएगा। जो गंधक के साथ कार्बन सोटा हुआ था ना, वो सभी कार्बन निकल जाएगा। 2-3 पानी से धो डालोगे तो कार्बन पानी में तैरने लगेगा। बाद में लाल फटकड़ी के पानी में का चूहा देना है, फूट देना है, वो चालू करेंगे। ये लाल फटकड़ी का चूरण 50 ग्राम कर दिया है, इसमें थोड़ा पानी डालकर उनको प्रवाही रूप में रूपांतरित किया है। ये लाल फटकड़ी का पानी है, जो लाल फटकड़ी को चूरण करके उनको प्रवाही रूप में पानी किया है। अब उनको गंधक में फूट देना है, थोड़ा थोड़ा पानी उनको फूट देना है। ये थोड़ा पानी डाल दिया है, गंधक को कांच के बीकर में रख कर वालू का यंत्र में रख दिया है। पहले शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा अग्नि रखते हैं, क्योंकि वालू का यंत्र और वालू सब गर्म हो जाए, बाद में बिल्कुल मन अग्नि कर डालते हैं। ये लाल फटकड़ी का पानी दे दिया है, ऐसे तो लाल फटकड़ी में पानी में गंधक को प्रवाही करके गर्म करके प्रवाही रूप में करके बुझावा भी दिया जाता है, लेकिन बुझावा देना है तो 40-50 बुझावा देना पड़ता है। और ऐसे ही लाल फटकड़ी का इसमें फूट देना है तो वालू का यंत्र के द्वारा हम दे सकते हैं। ऐसे 5 बार पानी देना है, पहली बार इतना पानी जल जाएगा, अंदाजे 50 ग्राम पानी पहली बार देना है, बीजी बार भी 50 ग्राम पानी देना है, तीसरी बार भी लाल फटकड़ी का 50 ग्राम जितना पानी देना है, चौथी बार, पांचवी बार, पांचे बार 50-50 ग्राम जितना पानी लाल फटकड़ी का देना है गंधक में। इसको भावना भी कहा जावे, फूट भी कहा जावे और बुझावा भी कहा जावे, लेकिन बुझावा की जगह 5 बार देंगे तो ये चल जाता है। इसी तरीके से उनको ये 5 बार 50-50 ग्राम जितना पानी का पचाना है, लाल फटकड़ी के पानी को पचाना है। बाद में एसिटिक एसिड में बुझावा दे देना है, इसलिए गंधक बुरा साफ सफाई हो जावे। एसिटिक एसिड में आखिरी बुझावा देना है, इसलिए गंधक पूरा साफ हो जाएगा, सफाई हो जाएगा, धुलाई हो जाएगी। गंधक पिघलने लगा है, लाल फटकड़ी का पानी इसमें डाल दिया है,
वाल्व का यंत्र गर्म हो गया है, गंधक पिघलने लगा है, अग्नि बिल्कुल मंद कर दिया है, धीमी धीमी अग्नि कर दिया है, बिल्कुल मंद अग्नि है। यहाँ एसिटिक एसिड भी एक भी कांच के बीकर में भर के तैयार रखा है, इसमें बुलावा देना है। ये इसमें एसिटिक एसिड है कांच के बीकर में, ये लोखंड के बकड़िया में पानी भरा है, पानी के अंदर कांच के बीकर को रखा है और इस कांच के बीकर के अंदर एसिटिक एसिड भरा है, इसमें बुलावा देना है। लेकिन ये फटकड़ी का पानी गंधक में पहुंच जावे तब उनको बुलावा दे देना है। बाद में गंधक प्लस नवसार की जो क्रिया किया है वो दोनों का मिक्स तेल बनाना है, इसका भी वीडियो आएगा। ये दोनों का मिक्स तेल इतना अक्षीर होगा कि तांबा या तो चांदी दोनों को 70-80 टस ला देता है, इतना ये अक्षीर तेल होता है। इसका भी मैं वीडियो आगे आपको प्रयोग करके ही दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये क्रिया पूरी होने जाने के बाद ये लाल फटकड़ी का पानी गंधक में पचाना है। ऐसे तो 50 बुझावा दिया जाता है, लेकिन बुझावा दो, भावना दो के पूट दो, तीनों एक ही है, इसलिए मैंने 5 पूट देने का निर्णय लिया है। वालू का यंत्र में गंधक को पिघाल कर इसमें 5 फूट फटकड़ी के ये फटकड़ी का पानी का देना है। 5 फूट देने से 50 बुझावा जैसा हो जाता है, ये मेरी अनुभूति है। इसलिए कम समय में कम खर्चा में उत्तीर्ण काम होगा, ऐसे ही काम लेता हूँ मैं और लेना चाहिए। थोड़ी हमारी बौद्धिक क्षमता का भी उपयोग करना पड़ता है, तब ये रसायन की औषधों बनाने में हमको सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए रसायन का कोई भी औषध बनाने के लिए हमें हमारी बौद्धिक क्षमता का उपयोग भी पूरे पूरा करना चाहिए। देखो बिल्कुल प्रवाही हो गया है, बिल्कुल प्रवाही हो गया। 2 बार इसमें लाल फटकड़ी का पानी डाल दिया है, अब 3 बार डालना है। 5 बार पूरा हो जाएंगे तब उनको एसिटिक एसिड में एक बुझावा दे देंगे। वालू का यंत्र में एक गंधक को पिघालने का एक फायदा ये होता है कि इनडायरेक्ट अग्नि होने से इसमें अग्नि गंधक में अग्नि लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती है, और डायरेक्ट अग्नि देने जाते हैं ना तो गंधक में तुरंत अग्नि लग जाती है, गंधक पिघलता है तुरंत अग्नि लग जाती है, तो हमारा आगे का काम इसमें सक्सेसपूर्ण सफलतापूर्ण नहीं होता है। इसलिए गंधक को पिघालने के लिए गंधक का बुझावा देना है या तो गंधक के ऊपर कोई भी क्रिया करनी है। वालू का यंत्र में रख कर ही गंधक को पिघाड़ो, गंधक के ऊपर क्रिया करो तो गंधक में कोई अग्नि लगने की संभावना रहती नहीं है, क्योंकि गंधक पेट्रोल की तरह के ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए उसको डायरेक्ट अग्नि देने के बजाय वालू का यंत्र में इनडायरेक्ट अग्नि देने से गंधक में अग्नि लगने की आग लगने की कोई संभावना रहती नहीं है। ये हमें कायम के लिए ख्याल रखना है ये चीज़ों का। अब ये 5वीं बार मैंने फटकड़ी का पानी डाल दिया है,
अग्नि भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ी है क्योंकि गंधक अग्निस्थायी हो गया था थोड़ा, तो उसको ज़्यादा अग्नि देंगे तो ही पिघलेगा, इसलिए अग्नि बढ़ा दिया है। और पांचवी बार मैंने लाल फटकड़ी के पानी का पुट दे दिया है, अब तपेली खाली हो गई है। देखो यहाँ बुझा देने के लिए कांच के बीकर में एसिटिक एसिड तैयार रखा है, लोखंड के बड़ा कढ़ाया में पानी भरकर इसके बीच में मैंने कांच का बीकर रखा है और बीकर में एसिटिक एसिड है। ये जब ये पूरा हो जाएगा, पानी जल जाएगा, तब मैं एसिटिक एसिड में बुझावा देकर गर्म पानी से बाद में धो डालना है। एसिटिक एसिड में बुझावा देकर गर्म पानी से धो डालना है, तब ये गंधक बिल्कुल अग्निस्थायी और शुद्ध हो जाएगा। बाद में पहले मैंने वीडियो बताया है गंधक का और नौसादर का, दोनों का वीडियो बताया है, योग एक ऐसे लिखा है, वो दोनों का मिश्रित तेल बनाना है, कायम गंधक और कायम नौसादर, दोनों का मिश्रित तेल बनेगा तो कैसा अक्षीरी बनेगा ये आप लोगों को अच्छी तरह जानकारी है। ये मिश्रित तेल बनेगा वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, बहुत अक्षीरी तेल बनेगा ये, गंधक और नौसादर दोनों समान मात्रा में लेकर मिश्रित तेल बनाना है, वो क्रिया आगे के वीडियो में आएगी। बाद में वो मिश्रित तेल बन जाएंगे, बाद में तांबा या तो चांदी का पत्रा लेकर, कंटक वेदी पत्रा लेकर उनको ये तेल में लाल चोड़ करके तेल में बुझावा देना है, तो बिल्कुल 70-80% काम पूरा हो जाता है। क्या 70-80% अपना काम पूरा हो जाता है, तो आप सोच लीजिए ये कैसा अक्षीरी तेल होगा। ये हमको सोचना पड़ेगा। अब ये पानी जल जाएगा तो मैं एसिटिक एसिड में बुझावा दे देता हूँ।